हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद फरजाना। आज बनाएंगे साउथ इंडियंस का फेवरेट रेसिपी, सांभर राइस बनाने के वास्ते यूज़ करने का सांभर पाउडर। इसके वास्ते पैन को गर्म कर लेना। अब फ्लेम को सिम के ऊपर रख ले को सेम मेजरमेंट कप से मेजर करते एक के बाद एक पूरे दाल को हमें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पहला पाव कप चना दाल, पाव कप तुअर दाल, पाव कप मूंग दाल, पाव कप उड़द दाल तो माश, पाव कप चावल। ये पूरे चीज़ा को 5 मिनट के वास्ते नहीं तो जरा कलर चेंज हुए तक लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेना। हाई फ्लेम नहीं तो मीडियम फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करे तो जल जाता लेकिन अंदर तक पकता नहीं, उसके वास्ते लो फ्लेम के ऊपर ही ड्राई रोस्ट कर लेना कलर चेंज हुए तक। उसके बाद ये पूरे दाला को एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके रख लेंगे। अब वो सेम पैन के अंदर मेजरमेंट कर ले सो सेम कप के साथ एक कप धनिया, एक स्पून काली मिर्च के दाने, 3 लौंग, 1.5 इंच चकला कतो दालचीनी, 2 स्पून जीरा, अभी 4 से 5 सूखे लाल मिर्च दाल को 2 मिनट के वास्ते नहीं तो जरा कलर चेंज हुए तक लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेना बीच बीच में चलाते हुए। मिक्सी जार में पहला हमें दाल निकाल कर रखे ना, उसमें ये भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। पूरी तरह से ठंडा होने देना। उसके बाद 2 स्पून नमक दाल को फाइन पाउडर बना कर रख लेना। ये पाउडर तुम्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करे तो 6 महीने के वास्ते फ्रेश रहता, कब होना कि तब सांभर राइस बना ले सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लीव योर वैल्यूबल कॉमेंट्स। बाय।